करते हैं। असलम नवीन, आज हम लोग जा रहे हैं कहोटा और हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं। दादू हमें चाय ठंडी करके दे रहे हैं। विवर मौसम बहुत मजे का है, आपको दिखाते हैं मौसम कितने मजे का है। कितने मजे का मौसम है भाई, क्यूट डॉगी नजर आया। रिवर से देखिए सामने डॉगी भी नजर आ रहा है। और डॉगी कहाँ जा रहा है? वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। रिवर मौसम बहुत औसम है। मुझे देखिए ये ट्रैक्टर है, कितना खूबसूरत है और हम लोग इससे खेतों में हल चलाते हैं। मुझे देखिए कितने मजे का यहाँ पे कल्चर है, चैन के लड़की भी है। मौसम में घर से निकलना चाहिए, बहुत है मौसम अच्छा, ठंडी हवा चल रही है, छोटी बारिश हो रही है और हम इसका कोटा के सफर पे रास्ते में छप्पर रिवर जी देखिए हम लोग छप्पर होटल पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत मजे की चाय होती है और हाँ है ना, ये बहुत मजे की चाय बनाते हैं। मैंने भी चाय पी थी विवर, और ये बहुत मजे की चाय बनाते हैं। और अब अभी इस वक्त हम कोहटा जा रहे हैं। विवर्स आपने हमारे साथ साथ रहना, प्रोग्राम को पूरा देखना, और जिन विवर्स ने हमारी वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, सब्सक्राइब किया, उनका बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी से जाके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। विवर्स इतने मजे के मौसम में पापा ने मुझे ट्रैक्टर पे बिठा दिया है और बहुत मजा आ रहा है मुझे। और देखें कितना कलरफुल ट्रैक्टर है। व्यूअर्स ये देखें इसके टायर्स कितने बड़े बड़े हैं, इसके कलर्स कितने प्यारे हैं। इससे हम लोग खेतों पे हल चलाते हैं। व्यूअर्स ये हमारा कल्चर है और ये हमारी सकाफत है। व्यूअर्स पहले जमाने में हल दो बैलों की जोड़ी पे चलाया जाता था, पीछे हल लगा देते थे, उससे खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता था और फसलें उगाई जाती थी। जब साइंस ने तरक्की की तो ट्रैक्टर आ गया और अब ट्रैक्टर से खेतों में हल चलाया जाता है। विवर्स ट्रैक्टर से खेतों की मिट्टी को नरम किया जाता है और बीज बोए जाते हैं और फिर फसलें उगाते हैं। किसान बहुत मेहनत से हमारे लिए फसलें तैयार करते हैं। रिवर बहुत मजा आ रहा है, अरिया भी मेरे साथ बैठी हुई है, इसके पीछे ट्राली भी है। ये बच्चे देखिए इस ट्रैक्टर के कितना बड़ा टायर है, मेरे से भी बड़े बड़े। विवर के बहुत यादगार सफर है, हमें बहुत मजा आया, आज का दिन भी बहुत मजे का था और यह हमें हमेशा याद रहेगा दिन। विवर नैनू भैया और सैंडिया ट्रैक्टर पे बैठे हुए और एंजॉय कर रहे हैं। विवर हम लोग ने ट्रैक्टर के साथ बहुत खेला, बहुत मजा आया और ट्रैक्टर के मालिक भी बहुत अच्छे थे, उनने बोला आप ट्रैक्टर पे बैठे खेलें, वीडियो भी बनाएं, आराम करें। कैसा जा रहा है सफर आपका? बहुत अच्छा जा रहा है जी, अल्लाह का शुक्र है, बारिश हो गई है, उससे मौसम बड़ा खुशगवार हो गया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है, बहुत छप्पर होटल से हम लोग वापस जा रहे हैं और आप हमारे साथ रहिएगा सफर में। रिवर जी देखिए रोड कितना खूबसूरत है, बारिश हो रही है हल्की हल्की, जुलाई का महीना फिर भी बहुत मजा आ रहा है। विवर ये देखिए सूरज ग्रूब हो रहा है और कितने मजे का मौसम हुआ है। विवर ये मंजर मेरा पसंदीदा मंजर है जो
सूरज रूप होने का मंजर। रिवर ये सनसेट है, ये तो मुझे पेंटिंग में भी बहुत अच्छा लगता है। आप हमारे साथ रहिएगा, हम लोग स्पीड थोड़ी तेज करते हैं ताकि आपका टाइम ना वेस्ट हो। रिवर्स बहुत यादगार सफर है, बड़ा मजा आया, और आप हमारे साथ रहिएगा। रिवर्स आप लोग हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, आपका बहुत शुक्रिया। रिवर्स हमारा सफर जारी है और हम लोग अपनी मंजिल की तरफ रवा दुआ है। व्यूअर्स इस सफर में नज़ारे बहुत प्यारे थे जो हमें हमेशा याद रहेंगे, और व्यूअर्स वैसे भी मुझे ग्रीनरी और नेचर को देख के बहुत मज़ा आता है। व्यूअर्स ऐसे इलाका मुझे बहुत पसंद है जिसमें ग्रीनरी और नेचर होते हैं, और व्यूअर्स खास तौर पर मुझे डैम या पानी वाली जगह मुझे बहुत मज़े की लगती है। व्यूअर्स नदियाँ नहरें इस तरह की चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं मुझे। बारिश का मौसम तो मुझे वैसे ही बहुत मज़े का लगता है। व्यूअर्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आपको बारिश का मौसम कैसा लगता है। ये देखिए व्यूअर्स बकरियां। व्यूअर्स यहाँ पे चेक पोस्ट आती है, यहाँ पे गाड़ियों को चेक करते हैं। व्यूअर्स ये वाला रास्ता आजाद कश्मीर की तरफ जाता है और ये वाला कहोटा की तरफ। व्यूअर्स अब हम लोग घर जा रहे हैं। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ ब्लैक एंड बटन दबाना मत भूलना। ओके अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स जो हमने कहोटा में जाके जो व्लॉग्स बनाए थे हम वो भी अपलोड कर देंगे, वो बाद में अपलोड करेंगे, और ये इस वीडियो को आपने ज़रूर लाइक करना। व्यूअर्स जो हमने कहोटा में व्लॉग बनाया था वो हम बाद में अपलोड करेंगे। हसनैन अली के कहोटा में उधर रैबिट के बच्चे भी थे, वो आपको हम अगले नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे, और आप उस वीडियो को ज़रूर देखना रैबिट वाली। व्यूअर्स आप अपना ख्याल रखना और हमें दुआओं में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।